ये वीडियो CBSE क्लास 10 के उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो ईयर 2021 में मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का एग्जाम देंगे। और आपको बता दें दोस्तों कि अगर आप डायरेक्टली सैंपल पेपर और मार्किंग स्कीम को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। अब इस साल CBSE ने 30% सिलेबस रिड्यूस किया है क्योंकि प्रॉपरली कई जगह ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो सकी। कोविड के कारण काफ़ी टाइम स्टूडेंट्स का वेस्ट भी हुआ है तो वो पढ़ाई नहीं कर सके हैं। तो अब मन में सवाल ज़रूर होगा कि पेपर का पैटर्न कैसा होगा, किस सेक्शन से कितने सवाल आएंगे। तो चलिए इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं और साथ में आपको मार्किंग स्कीम की मदद से समझाएंगे कि मार्क्स का ब्रेकअप कैसे होता है। शुरू करते हैं CBSE क्लास 10th मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड के सैंपल पेपर पैटर्न से। ये क्वेश्चन पेपर 80 मार्क्स का होगा। सॉल्व करने के लिए 3 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। इस पेपर में 2 पार्ट्स होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। दोनों ही पार्ट में आपको इंटरनल चॉइसेस दी जाएंगी। पार्ट ए में आपको 2 सेक्शंस मिलेंगे, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 में 16 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से आपको 5 क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइसेस दी जाएंगी। ये सभी 1 मार्क क्वेश्चन होंगे और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इनका नेचर होगा। सेक्शन 2 में 4 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलेंगे और ये हर एक केस स्टडी में 5 केस बेस्ड सब पार्ट्स होंगे जिनमें से आपको कोई भी 4 सब पार्ट्स को अटेम्प्ट करना होगा। पार्ट बी में आपको क्वेश्चन नंबर 21 to 26 से वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेंगे जो 2 मार्क ईच होंगे। क्वेश्चन नंबर 27 से 33 तक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि 3 मार्क्स ईच होंगे। क्वेश्चन नंबर 34 से क्वेश्चन नंबर 36 तक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे जो 5 मार्क्स ईच होंगे। 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस मिलेगी और 5 मार्क्स के एक क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस दी जाएगी। अब हम सैंपल क्वेश्चन पेपर और मार्किंग स्कीम के साथ समझते हैं कि आपको किस स्टेप पर कैसे मार्क्स दिए जाएंगे। एक तरफ अभी आप स्क्रीन पर क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं और दूसरी तरफ आपको मार्किंग स्कीम दिख रही है। अब देखिए क्वेश्चन पेपर में पार्ट ए सेक्शन 1 के क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए, तो इसमें आपसे एक्स वाई की वैल्यू दी गई है आपको और HCF XY equals to 3 बताकर LCM पूछा गया है। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, लेकिन जब आप मार्किंग स्कीम देखते हैं तो करेक्ट इक्वेशन लिखने के 0.5 मार्क और करेक्ट LCM लिखने के 0.5 मार्क आपको मिलते हैं, तब जाके आपको पूरा 1 मार्क मिलता है। पार्ट ए सेक्शन 2 में आपको केस स्टडीज मिलती हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया, सारी केस स्टडीज आपको अटेम्प्ट करनी है, लेकिन हर एक केस स्टडी में आपको 5 सब क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें से आपको कोई भी 4 सॉल्व करने हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ आपको सनरूम की एक केस स्टडी दी गई है और ये 5 जो सब सेक्शन हैं ए बी सी डी और ये ई, इन 5 में से कोई भी आप 4 सॉल्व कर दीजिए और आपका काम हो गया। अब देखिए दोस्तों पार्ट बी में आपको 2 मार्क्स 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन मिलते हैं। तो पार्ट बी में जरा मार्किंग स्कीम से समझ लेते हैं कि कैसे आपको मार्क्स मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, इसमें आपको इंटरनल चॉइस मिल रही है। यहाँ हम नीचे जो क्वेश्चन दिया गया है उसको देखते हैं। इस सवाल में आपको बताया गया है कि PR equals to 2QR और P और Q दोनों पॉइंट्स की वैल्यू मेंशन करके आपको बताई गई है और आपको PQ पर पॉइंट R के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है। तो मार्किंग स्कीम देखिए, यहाँ पर आप जब ऐसे लिखते हैं तो आपको इक्वेशन लिखने के 0.5 मार्क मिलते हैं, फिर आप 1 मार्क मिलता है आपको और पॉइंट R के कोऑर्डिनेट सही निकालने पर 0.5 मार्क मिलता है आपको, जो आपको देता है पूरे 2 मार्क्स इस सवाल के लिए। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तो पार्ट बी में 3 मार्क्स के सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पर हम देख लेते हैं, मार्किंग स्कीम से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आपको एक फिगर दी गई है जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं और ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया निकालने के लिए आपसे बोला गया है। अब आप मार्किंग स्कीम देखिए, यहाँ पर आपको कैसे 0.5 मार्क मिला है, हर एक स्टेप के लिए दिए जा रहे हैं। तो अब जब आप पूरा सवाल सॉल्व करेंगे और इस तरह से करेंगे तो आपको यहाँ पर पूरे 3 मार्क्स मिलेंगे। पार्ट बी में 5 नंबर के सवाल भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, सवाल में आपको बताया गया है कि एक सिलेंड्रिकल पाइप है जिसका जो डायमीटर है वो 2 सेंटीमीटर का है और उसमें जो है पानी बह रहा है और इसके जरिए पानी जा रहा है एक सिलेंड्रिकल टैंक में जिसका रेडियस है 40 सेंटीमीटर का
और 0.7 m/s का इसका रेट है पानी के फ्लो का। अब आपसे पूछा गया है कि आधे घंटे के समय में वाटर लेवल कितना राइज होगा, तो देखिए अब मार्किंग स्कीम आप समझिए और आप जब आप इस तरह से स्टेप वाइज आंसर लिखते हैं तो आपको पूरे 5 marks मिलते हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी क्लास 10th मैथ स्टैंडर्ड सैंपल पेपर से जुड़ी हुई। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और सब्सक्राइब करें जागरण।